गुड मॉर्निंग सभी को। जैक का जो रिजल्ट है वो 9th के हिसाब से 10th और 11th के हिसाब से 12th ये कंफर्म हो चुकी है। साथ ही 9th या 11th का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट में पास करना था, लेकिन 10th या 12th का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट में पास करना है। ठीक है, जो बच्चे 5वां सब्जेक्ट में फेल किए तो उसको भी 12th में पास करने के लिए या 10th में पास करने के लिए 33% लाना पड़ेगा, तभी उसको पास माना जाएगा। अदरवाइज उसको उस कैंडिडेट को फेल माना जाएगा। कहीं आप भी फेल नहीं है, इस चीज़ के डिटेल्स देखने के लिए कैसे इसको निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपका रिजल्ट पास है कि फेल है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जिस लिंक के थ्रू आप हमारे वीडियो में जा सकते हो। उस वीडियो में क्लियर आपको सब कुछ बताया गया है। ठीक है।